मैं माउंट आबू आया था बहुत उम्मीदों के साथ कि भाई यहाँ पे हमें बढ़िया व्यू मिलेगा, होटल से लोकेशन बढ़िया होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि भाई ट्रिप का खर्चा वैसे बहुत ज़्यादा हो चुका है, उम्मीद से ज़्यादा हो चुका है। तो ये टीकरी है, प्याज और मिर्च के साथ सर्व कर रहे हैं। ये सॉस हमारे पास पड़ा हुआ था तो हमने सॉस एक्स्ट्रा निकाल लिया अपना। सो हम लोग पहुँच गए इंडिया पार्क बॉर्डर नैना बेट पे। बट बहुत बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है कि मैरिड होने के बाद, बच्चे होने के बाद ये सब कर पाना। ठीक है चलो सर, मिलते हैं। ओके चलो भाई। भैया अभी 6 बज रहे हैं और हमने गाड़ी अभी तक थर्ड लगा दी। जो गुजराती दावेली होती है एज एक्सपेक्टेड थोड़ी मीठी ज़्यादा होती है, वहीं एक राजस्थानी दावेली जो होती है वो थोड़ी सी नमकीन और थोड़ी सी तीखी टाइप से, तीखी तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी चटपटी टाइप से होती है। सही में गाइस, एक साफ सुथरा रूम ढूंढना बहुत ही टफ टास्क है, बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क। सो गाइस, अपनी तो हो चुकी है गुड मॉर्निंग। तो ये था वो होटल जहाँ मैं रुका था, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम चलते हैं जो सनराइज पॉइंट है यहाँ का, उसको देखते हैं वहाँ क्या है। और एक फॉल भी बता रहे हैं, कोई सा फॉल है उसी के पास, तो उसको भी देखते हैं, फिर करेंगे हम थोड़ी सी आगे की वार्तालाप आज के प्लान के बारे में और जो मेरा स्टे था माउंट आबू में उसके बारे में। अभी एक्चुअली 8:30 बज रहा है तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं कि सनराइज़ पॉइंट में कुछ खास देखने को मिल सकता है। और जो वाटरफॉल है उसका भी मुझे डाउट लग रहा है कि उसमें कुछ पानी होगा भी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुझे सूखा सूखा सा ज़्यादा लग रहा है। और हमें आज नादे बेट पहुँचना ही नहीं है, वहाँ से थोड़ा आगे आके स्टे भी करना है और परमिशन का भी वहाँ देखना पड़ेगा कि परमिशन कैसे मिलती है, क्या प्रोसेस होता है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो सब चीज़ें हैं हमारे माइंड में। आई थिंक यही कहीं होना चाहिए था सनराइज पॉइंट। तो देख सकते हैं आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो घाटी है, उतनी बड़ी घाटी नहीं जितनी बाकी वीडियोस में आपने मेरे देखी होंगी जब भी मैं हिमाचल या उत्तराखंड जाता हूँ। बट यहाँ के लोगों के लिए, राजस्थान के और गुजरात के लोगों के लिए यही बहुत है। और जब मैं आया था तो ज़्यादातर जो गाड़ियाँ थी वो गुजरात साइड की ही थी, नॉर्थ से तो बंदा कोई था ही नहीं। एक केरला की गाड़ी मुझे दिखी थी, आई थिंक वो भी राइडर्स ही थे। तो गाइस आई थिंक हम लोग आगे निकल आए हैं और कोई भी एस्टच मुझे सनराइज पॉइंट करके तो नहीं मिला। नॉर्मल सा ही रोड है और वहाँ से आई थिंक दो पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में से सूरज उगता होगा तो उसी को सनराइज पॉइंट कह रहे हैं। और आई थिंक वो फ्री ऑफ चार्ज भी है इसीलिए। तो भैया जी, अपन लोग जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ तभी ठीक सा व्यू मिला। एटलीस्ट जो 2 दिन से जहाँ मैं रह रहा हूँ जिस होटल रूम में था वहाँ से तो अच्छा ही व्यू है। छोटे छोटे पहाड़ हैं, थोड़ा सा पानी है, इक्का दुक्का घर है, छोटे छोटे घर हैं वहाँ पे और पहाड़ है, थोड़ा बहुत फॉग दिख रहा है, बट कुल मिला के ठीक है। यहाँ अगर मैगी वैगी होती तो खा भी लेते, बट अभी निकलना है, अभी निकलते हैं नादे बेट के लिए जो कि है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। बहुत ही खूबसूरत सा, जैसा हमने देखा है फोटोज वीडियोस में, तो भैया हमने सोचा कि उसको अपनी लिस्ट में जोड़ ही लिया जाए आज, फिर ना जाने कब आना हो। हाँ तो मैंने आपको बताया कि जो मेरा स्टे था, मैं माउंट आबू आया था बहुत उम्मीदों के साथ कि भाई यहाँ पे हमें बढ़िया व्यू मिलेगा, होटल से लोकेशन बढ़िया होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद आप में से कई लोगों को ये बात बुरी लग सकती है, खासकर जो राजस्थान से या गुजरात से बिलोंग करते हैं,
क्योंकि ये उनका इकलौता पहाड़ी व्यू है। बट जो मेरा स्टे था या जो मेरी इस ट्रिप का अब तक का एकार चीज़ थी वो माउंट आबू ही थी। हाँ, ऑल्दो मैं लोकेशंस की बुराई नहीं करना चाहूँगा, मैं ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाया क्योंकि मुझे अपने ऑफिस का वर्क करना था। मैं कल गया था सनसेट पॉइंट 6 बजे, लेकिन 6 बजे के आसपास कुछ था टाइम, लेकिन उन्होंने बोल दिया सनसेट बंद हो चुका है, अब जाने का मतलब नहीं है, अलाउड नहीं किया उन्होंने। मैंने रिक्वेस्ट भी की कि सर मैं नोएडा से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, मुझे जाने दो, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो उन्होंने फिर भी नहीं जाने दिया। और उसकी कॉस्ट भी वो 75 रुपये बता रहे थे। बाकी उसके अलावा कल मैं गया था निक्की झील, वो सही थी, छोटी झील थी लेकिन अच्छा था, माहौल अच्छा था, आप आराम से जाके वहाँ बैठ सकते हैं, शाम बिता सकते हैं। और जो वहाँ पे एक भारत माता का स्टैचू टाइप से बना रखा था, बहुत सही लग रहा था वो भी, आई थिंक सहारा ने शायद बनवाया है वो, उसमें सहारा की कोटेशंस क्योंकि लिखी हुई थी, और जो कोटेशंस लिखी थी वो भी बहुत तगड़ी लिखी थी, बहुत अच्छी लिखी थी। तो उसकी फोटो और जो मैंने खींची थी, जो भारत माता का मंदिर है उसकी और जो लेक की फ़ोटो है, मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल दी है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और फोटोज़ को लाइक और कमेंट कर लीजिएगा, और अगर हो सके तो भाई शेयर भी कर दीजिएगा। और उसके बाद हम गए थे जो दिलवाड़े के टेम्पल्स हैं वहाँ पे, बट अगेन वही हुआ हमारे साथ। हमने आधा घंटे के आसपास झील में टाइम बिताया, तो लगभग 7 बज गया, 7 बजे हम पहुँचे वहाँ मंदिरों में। तो भैया हमने पूछा कि रास्ता कहाँ है, तो बोलते हैं कि मंदिर तो बंद है। फिर हमने गूगल देखा था, पर गूगल में तो लिखा था 24 घंटे ओपन। सो वो एक चीज़ और हो गई हमारे साथ कि भाई वो भी बंद निकला। अब ये तो हमारी लापरवाही है या गूगल भैया की मेहरबानी कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन बांट दी और हमने लोकल से पूछा नहीं। तो हमने अपने सारे पहाड़ कवर कर लिए और अब यहाँ से प्लेन प्लेन चलानी है अपन को। तो अभी लगभग 9:30 बज रहा है, अभी थोड़ा दो काम करने हैं हमें, एक तो अपना ब्रेकफास्ट करना है और साथ ही साथ गुजरात पहुंच के पेट्रोल डलाना है, क्योंकि पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, रिजर्व का भी रिजर्व चल रही है, आई थिंक 40-50 किलोमीटर्स और जाएगी। तो जैसे हम गुजरात बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आई थिंक पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाएगा, तो हम वहाँ डला लेंगे, क्योंकि भाई ट्रिप का खर्चा वैसे बहुत ज़्यादा हो चुका है, उम्मीद से ज़्यादा हो चुका है। लमसम लमसम जोड़ा जाए तो आई थिंक अभी 15,000 के आसपास जा रहा है। तो भाई अपनी एंट्री हो चुकी है मोटा भाई के क्षेत्र में, पीछे ही था हमारे चेक पोस्ट गुजरात बॉर्डर का, और अभी सस्ता सा पेट्रोल ढूंढना है और डलवानी है गड्डी में, गड्डी विच पेट्रोल 15 लीटर रख कर दो, 15 लीटर। हाँ कितना है यहाँ पे? 95 ना, ओके सही है। हाँ हाँ देख लिया। सो गाइस नादावेट का डिस्टेंस यहाँ से गूगल 250 किलोमीटर्स बता रहा है, और जिसको पूरा करने में अराउंड 4.5 आवर लग रहा है। तो होपफुली हम लोग 1 बजे तक नादावेट पहुँच जाएंगे, और फिर हमारे पास थोड़ा सा समय होगा और रिटर्निंग भी आने का, क्योंकि तो कल हमें घर के लिए वापस निकलना है। तो जितना ज़्यादा रास्ता हम आज कवर कर लेंगे उतना कल के लिए इजी हो जाएगा हमारे पास। और गाइस नादावेट की एक खास बात और है कि जो रास्ता है वो लिटिल रन ऑफ कच्छ जो है उससे होकर गुजरता है, तो हमारा वो भी इस बार एक एक्सपीरियंस होने वाला है। ऑल तो हम जो मेन कच्छ है वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो थोड़ा और दूर पड़ जाता है, और वहाँ से फिर वापसी हमें करने में दिक्कत होगी। तो इस बार हम सिर्फ लिटिल रन ऑफ कच्छ को ही क्रॉस करेंगे, और फिर आगे कभी जब अगली बार आएंगे हम तो ज़रूर रन ऑफ कच्छ, जो मेन रन ऑफ कच्छ है उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग रुके रुके डी स्नैक के थोड़ा सा आगे स्नैक्स ब्रेक के लिए अपने, और यहाँ पे हमने एक डिफरेंट चीज़ खा रहे हैं, इसको
इसको ये लोग टीकरी बोलते हैं। मैं आपको कैमरा टिल्ट करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो ये टीकरी है, प्याज और मिर्च के साथ सर्व कर रहे हैं। ये सॉस हमारे पास पड़ा हुआ था तो हमने सॉस एक्स्ट्रा निकाल लिया अपना, बट खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है टेस्ट। थोड़ी हवा चल रही है और हम अकेले हैं तो उसको संभाल नहीं पा रहे। ये वेलकम टू नदर बेट। पूरा सपाट पड़ा हुआ है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, और अगर आगे दिख रहा हो तो पानी जैसा दिख रहा है, लेकिन वो पानी नहीं, वो नमक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लेकिन अपन को नहीं पता क्या लिखा हुआ है। नदर बेट सीमा, इतना तो समझ में आ रहा है। डैश हार्दिक स्वागत छे, इतना समझ में आ रहा है बस। तो ये हम लोग पहुँच गए इंडिया पाक बॉर्डर नदर बेट पे। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमें यहाँ कैमरा अलाउड नहीं किया गया, तो हम एक्शन कैमरा तो नहीं लाए अपना, सिर्फ फ़ोन अलाउड किया गया था तो वही लेके आए हैं। फ़ोटोज़ तो मैंने निकाल ली हैं एटलीस्ट, जैसे भी निकली हूँ। बस अभी लगभग 3:30 बज रहा है और अब निकलेंगे आज के ब्रेक के लिए। और वो है भाई अपनी रिकॉर्डिंग करते हुए, ठीक है सर, चलिए दुआ में बिल्कुल। तो भाई फाइनली अफजल भाई का माइक सेटअप हो गया आधे घंटे के बाद, और अब हम निकल रहे। सो भाई अभी लगभग 4:30 बज रहा है और हम लोग निकल रहे हैं 0 पॉइंट से। ये जो दो भाई है ये महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र बेसिकली मुंबई साइड से हैं, जो कि हमें मिले थे यहाँ पे परमिशन लेते समय, और फिर हमने साथ ही में 0 पॉइंट का जो मेन बॉर्डर है वहाँ तक गए, और अभी हम साथ में थोड़ा देर तक राइड करेंगे, देखते हैं कहाँ तक करते हैं, और फिर ये निकल जाएंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए और हम निकल जाएंगे घर की तरफ। दोनों भाई जो है वो FZ चला रहे हैं, और जो दूसरी वाइट कलर की FZ जो है वो बहुत ही शानदार लग रही है, बहुत ही शानदार। उसमें जो कलर्स खिल के आ रहे हैं फ़ोटोज़ में, बहुत ही अल्टीमेट है। देखिए ये दोनों सगे भाई हैं, और ये सगे भाई होने के साथ साथ ये मैरिड भी हैं, बट बहुत बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है कि मैरिड होने के बाद, बच्चे होने के बाद ये सब कर पाना। फैमिली को भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए, तो एक लाइक उनके फैमिली के लिए भी ज़रूर बनता है, क्योंकि तो फैमिली की परमिशन के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत सही भाई, हमारे दोनों साइड में लिटिल रन ऑफ कट चल रहा है, जो जगह है अल्टीमेट है भाई। लिटिल रन ऑफ कच इतना खतरनाक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेन कच है द रन ऑफ कच, वो कितना ही शानदार होता होगा। हाँ मैं तो सीधे ही जाऊंगा, ठीक है चलो फिर मिलते हैं, ओके चलो भाई। तो भाई वो तो रामपुर की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से उन्होंने राइट टर्न ले लिया और मैं निकल चुका हूँ सीधा थराड़ के लिए। यहाँ से थराड़ आई थिंक 40 किलोमीटर बचा है, तो
सबसे पहला काम अभी हमें कुछ रुक कर गए, थोड़ा नाश्ता करना बचा करना है, क्योंकि भाई हम लोग सीधा बॉर्डर गए और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो हम सीधा ही भागे चले आए। और अभी थोड़ी सी भूख लग रही है, तो कुछ खाने का मन कर रहा है, तो थोड़ा आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या मिल सकता है हमें। भैया अभी 6 बज रहे हैं और हमने गाड़ी अभी तक थर्ड लगा दी, यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर और हम जाएंगे आगे, शायद सिरोही या फिर पठानवाड़ा तक, और वहीं पे फिर अपना स्टे ले लेंगे आज। सिरोही के लिए तो 3 घंटे बता रहा है, और 3 घंटे चलाना थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि फिर 8 9 बज जाएगा लेकर तो हम कम चुके होंगे। फिलहाल तो अपनी दाबी नहीं आ गई, उसको दबाएंगे और फिर उसके बाद गाड़ी दबाएंगे। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं थराट से और हमारा इवनिंग स्नैक्स भी हो चुका है। तो जस्ट फॉर रिव्यू, जो गुजराती दाबेली होती है एज एक्सपेक्टेड थोड़ी मीठी ज़्यादा होती है, वहीं एक राजस्थानी दाबेली जो होती है वो थोड़ी सी नमकीन और थोड़ी सी तीखी टाइप से, तीखी तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी चटपटी टाइप से होती है। ये दोनों मुझे अंतर लगा दोनों की दाबेलियों में, बट ओवरऑल ठीक थी दाबेली। तो यहाँ से जो हमारा टारगेट है वो या पठानवाड़ा या तो रुकेंगे हम, या फिर हम कोशिश करेंगे सिरोही जाने के लिए। तो देखते हैं कि कल कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी तो वैसे 6 बज रहा है और अंधेरा अभी लगभग लगभग होने वाला है, तो 1 घंटे का डिस्टेंस, 1 घंटा और बचा है हमारे पास, दैट मीन्स कि हम 100 किलोमीटर चला सकते हैं मैक्स। उसके ऊपर फिर कॉल लेनी पड़ेगी कि चलाएँ अंधेरे में या ना चलाएँ, तो वो देखना पड़ेगा एक बार हमें। कुछ भी कहो गाइस, जो राजस्थान का सनसेट है, राजस्थान गुजरात का अल्टीमेट होता है भाई। अभी सूरज थोड़ी देर पहले दिख रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था भाई, छोटा सा रेड सा गोला। सो गाइस पठानवाड़ा यहाँ से 73 है, तो 73 किलोमीटर पहले हम चलते हैं, तब तक 7 बज जाएगा और अंधेरा भी हो जाएगा, फिर सोचेंगे कि हमें सिरोही जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिरोही वहाँ से फिर भी 70 किलोमीटर्स बचेगा, तो वो एक टास्क है, क्योंकि 70 किलोमीटर्स कवर करने के लिए 1 घंटा में नाइट राइड करनी पड़ जाएगी फिर से, तो वो सोचेंगे हमें करनी है कि नहीं करनी। सही में गाइस, एक साफ़ सुथरा रूम ढूंढना बहुत ही टफ टास्क है, बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क। आज फिर हम 1-1.5 घंटा रूम ही ढूंढते रहे, एक जगह रूम नहीं मिला, हमने सोचा चलो 10 किलोमीटर और आगे चलते हैं, वहाँ रूम देखते हैं, सही वहाँ नहीं मिला, फिर हमने सोचा चलो यार अब 20 किलोमीटर और आगे चलते हैं और वहाँ जाके रूम देखते हैं, शायद वहाँ अच्छा रूम मिल जाए। तो लगभग ऐसे ऐसे करते करते लगभग हमने 30-40 किलोमीटर चला दी और तब जाके हमें एक ढंग का रूम मिला साफ सुथरा। अब अदरवाइज जो जितने भी रूम थे सारे, किसी में बेड सही नहीं है, किसी में वॉशरूम सही नहीं है, सारे रूम ऐसे के ऐसे। तो और उस चक्कर में लगभग हमने आज 500 किलोमीटर खींची दी गाड़ी, तो अब जो घर का डिस्टेंस बचा है वो यहाँ से लगभग 700-750 किलोमीटर बचा है, तो वो वाला डिस्टेंस ऐसा है कि अगर हम चाहें तो 1 दिन में भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हाईवेज होंगे और हमें बस भगानी होगी, अब कोई ज़्यादा रुकना नहीं, कोई कुछ करना नहीं। तो लेकिन हम सोच रहे हैं कि जो हमारा अभी हमारे पास थोड़ा टाइम आ गया है आज की इंस्टेंस राइडिंग के बाद, तो हम जो सांभर लेक है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, या फिर अजमेर में कोई प्लेस डिसाइड करेंगे, वहाँ जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे,
क्योंकि हमारे पास लगभग 4-5 घंटे का टाइम निकल आया है इस वजह से। तो देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है हमारा कल परसों का। घर तो जाना ही जाना है, परसों तो पहुंचना ही है घर। और अगर बात की जाए इंडो पाक बॉर्डर की तो बहुत ही बेहतरीन, दोनों तरफ से सॉल्ट लेक से घिरा हुआ है। तब बहुत प्यारी सी ट्रेल गई हुई है छोटी सी, उसमें राइड करके बहुत ही मजा आया। और जब हम पहुंचे जो मेन जीरो लाइन जिसे बोलते हैं, तो वो भी बहुत खूबसूरत बना रखा है, बहुत अच्छी जगह है। वो फुली की कमर्शलाइज ना किया जाए इस जगह को, और जैसे ये है ये वैसे ही बनी रहे, तभी इसकी ब्यूटी आगे तक प्रिजर्व हो पाएगी। अदरवाइज बाकी अगर कमर्शलाइज ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगी। लेकिन वही है कि सिक्योरिटी पर्पजेस होने की वजह से हम रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए कुछ, लेकिन जो मेमोरी हमारे माइंड में आ चुकी है वो शायद कभी ना जाए, और जब जाएगी तो हम दोबारा से एक राइड कर देंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट राइड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, राइड सेफ। सो गाइज, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा अभी हाईवे पे भगा रहा था गाड़ी और सीधा के सीधा ही एकदम सफ़ेद ज़मीन में कहाँ पहुँच गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं हूँ किशनगढ़ के पास, एक जगह है जिसे राजस्थान का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं,